राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल किया। मुख्यमंत्री को लेकर रस्साकसी जो इतने दिनों से चली आ रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। राजस्थान अभी बाकी है और आज देर शाम तक हो सकता है कि इसका भी खुलासा हो जाए और राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर, शिवराज सिंह चौहान। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री होंगे दोबारा से, लेकिन कल उन कयासों पर ब्रेक लग गया और मोहन यादव यहां पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो तमाम तरीके के जरिए हो अपनी बात को पहुंचाने के, वहां पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमने तो मामा को वोट दिया था, मोहन यादव कौन है हम नहीं जानते। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि हम मामा की जो योजनाएं थी उनको लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं योजनाओं से हम खुश थे और इसी वजह से हमने उन्हें वोट दिया। हैशटैग शिवराज सिंह चौहान, हैशटैग मामा काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। देखा जाए तो शिकन तो नहीं है शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर, लेकिन अंदर खाने दर्द जो है वो छलक उठता है। 18 साल तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से अपने लिए किसी बड़े पद की मांग रख सकते हैं। अब इस सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उनका कहना है कि मुझे दिल्ली जाकर मांगना पसंद नहीं है, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह भी तय कर लिया है कि वो मध्य प्रदेश में हैं और यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान के बीच तीनों राज्यों के दिग्गज मंत्री आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल किया था कि क्या वो दिल्ली जाएंगे। इस पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया कि एक बात मैं विनम्रता के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। आइए सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बीजेपी को लौटाने का वक्त आ गया है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेतृत्व के पक्ष में बात रखी कि पार्टी ने उन्हें 18 साल तक मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने उन्हें सब कुछ दिया, इसलिए पार्टी को लौटाने का वक्त आ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लाडली बहना योजना के बाद अब वो लखपति बहना योजना पर काम करने वाले हैं, इसलिए वो पूरा दम लगाएंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में नई सीएम के ऐलान के एक दिन बाद शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनकी लाडली बहनें पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। महिलाओं को रोता देख सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए, बहनों को रोता देख पूर्व सीएम भी भावुक नजर आए। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये स्पष्ट कर दिया था कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और मेरा पद मामा का है। शिकन नहीं है, लेकिन वो दर्द कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मध्य प्रदेश में जिस नाम का ऐलान हुआ है, जो नए सीएम बनाए गए हैं, क्या आप उससे खुश है या शिवराज सिंह चौहान के हाथों बागडोर ज्यादा बेहतर रहती।